देखो एक सही चीज़ भी गलत तरीके ना की जाए तो गलत हो जाती कि कानून के मुताबिक ये पंजाब सरकार नू ते पंजाब असेंबली नू ये पावर है कि वे कर सकन। असेंबली जेकर चाहे या पंजाब सरकार जेकर चाहे तो असेंबली विच अपना एक्ट पास करके पंजाब दी एसजीपीसी बना सकती। अज के दिन विच तीन स्टेट की बॉडी है, ये विच पंजाब असेंबली नू कोई अधिकार नहीं, ये विच कोई अमेंडमेंट है जो भी ऐड करना वह भी अमेंडमेंट ना ही होंगे। जो कल बिल आएगा वो बिल के अमेंडमेंट लिखा जाएगा, अमेंडमेंट की पंजाबी सोध होंगी है, तो गल तो उही है ना। चाहिए देखो ये जिहड़ी जो इशू आया जो एच ई पी सी जो सिख गुरद्वारा एक्ट के एक होर प्रोविजन 125A ऐड करने का जो मुद्दा आया, ये मैं तुम्हें ये गल कह कि जो ये करना चाहती है पंजाब सरकार वो कोई डाउट नहीं, ये बड़ी वधिया चीज़ है कि जो एच ई पी सी का जो उतों दरबार साहब चो कीर्तन का प्रसारण होंगे वो सारे चैनल का होना चाहिए, किसी एक चैनल का कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। इस गल के नाल सारे सहमत ने, सारी सिख कौम सहमत आ, पर हुण इह चीज़ां दो आ जांदियां। इहनूं करन दा तरीका की होना चाहिए? देखो एक सही चीज़ भी गलत तरीके नाल कीती जाए तो गलत हो जाती है। हुण इहनूं करन दा तरीका की होना चाहिए? इहदे च दो आस्पैक्ट आउंदे आ, एक गल तां लीगल आस्पैक्ट कि कानून के मुताबिक ये पंजाब सरकार नूं ते पंजाब असैम्बली नूं ये पावर है कि वह कर सकन। दूजी गल प्रेसीडेंट, प्रेसीडेंट जिन्हों रवायत कहने आप, जो ये प्रेसीडेंट आ जदों का देश आजाद होया उदों दे हुण तक कि वह प्रेसीडेंट पंजाब सरकार नूं ये पावर दिंदे आ? क्योंकि कानून दे जिन्ना उन्नी ही जो हुंदी आ पावरफुल उन्नी ही इंपोर्टेंस प्रेसीडेंट की हुंदी आ उसकी। हुण इहदे विच पहली गल तां आपां कानून की गल कर लईए, जिहड़ा ये एक्ट सीगा, ये एक्ट जदों पहला ये पंजाब का एक्ट सी, पंजाब दे अंडर रहा, तो ये दो अमेंडमेंट पंजाब असैम्बली ने भी कीतियां इंडिपेंडेंस तो बाद 1966 जो पंजाब हरियाणा हिमाचल चंडीगढ़ तो पंजाब ये चार स्टेटा च बन गया, तो इंटर स्टेट एक्ट बन गया। सैक्शन 72 जो पंजाब रीऑर्गनाइजेशन एक्ट ये कहता कि हुण इंटर स्टेट बन गई एच ई पी सी, जिनी देर स्टेट अपना अपना प्रोविजन नहीं करती, अपना एक्ट बना के अपनी गुरद्वारा कमेटी नहीं बनाती अलग अलग स्टेटा, उन्नी देर ये इंटर स्टेट बॉडी रहेगी, तो ये सेंटर सरकार ही सिर्फ ये अमेंडमेंट कर सकती है और ये कोई भी पावर सेंटर सरकार ही एक्सरसाइज करेगी, गवर्नमेंट सरकार की पावर। ये वाली गल बड़ी क्लीयरली सैक्शन 72 ने कहती, और यही गल सुप्रीम कोर्ट ने आज जी हरभजन सिंह की जजमेंट आ, हरभजन सिंह की जी जजमेंट आई आ जी हरियाणा वाली, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही गल कही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार ने दे पावर सी कि हरियाणा असैम्बली के राही वो अपनी एच ई पी सी बना, उन्होंने बना ली, तो हूँ ये हरियाणा की एच ई पी सी जो हरियाणा एक्ट राही बनेगी, ये जी इस एक्ट राही चुनी हुई एच ई पी सी है वो चो बार होगी। हूँ इस एक्ट के तीन स्टेटा रह गई, हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ तो पंजाब, ये अज के दिन भी इंटर स्टेट एक्ट ही है। इन्हों पंजाब असेंबली जेकर चाहे या पंजाब सरकार जेकर चाहे तो असेंबली विच अपना एक्ट पास करके पंजाब दी एस जी पी सी बना सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ। पर यह जिहड़ा इंटर स्टेट बॉडी आ अज दे दिन विच तीन स्टेट की बॉडी आ, इहदे विच पंजाब असेंबली नू कोई अधिकार नहीं, इहदे विच कोई अमेंडमेंट करन दा। हुण जिहड़े कहिंदे असीं अमेंडमेंट नहीं कर रहे जी, इस तां असीं सोध नहीं कर रहे, इस तां ऐड कर रहे हैं। देखो गल है, जो भी ऐड करना वह भी अमेंडमेंट नाल ही होंदा, जो कल नूं बिल आएगा वो बिल दे च अमेंडमेंट लिखा जाएगा, अमेंडमेंट की पंजाबी सोध होंदी है, तो गल तो उही है ना, चाहे तुसीं जिवें करो, तो ये पावर पंजाब असैम्बली को नहीं है। अमेंड उन्हूं नहीं कि जो कहिंदे आ गुरबाणी के प्रशासन नूं नहीं, वो तरीके नूं अपोज कर रहे आ कि जिहड़ा तुसीं तरीका कीता तरीका गलत कर रहे हो। तो इस करके मेरी ये बेनती आ ये पंजाब सरकार नूं भी ते नाले असैम्बली नूं भी कि ये तुसीं जो ये प्रेसीडेंट नूं ना तोड़ो, ये पैक्ट जो सिखां दा ते भारत सरकार दे पैक्ट नूं ना तोड़ो, तुसीं ये रेजोल्यूशन पास करो, ये पास करके एच जी पी सी नूं भेजो, एच जी पी सी नूं कहो कि पंजाब दे लोक ये चाहुंदे आ ते एच जी पी सी इस नूं फॉलो करे, पब्लिक प्रेशर एच जी पी सी दे उत्ते बिल्ट कीता जावे, तो एच जी पी सी आई एम श्योर इस चीज़ नूं फॉलो करेगी। दूजी गल एच जी पी सी नूं की चाहिए?